Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi allazina istafa amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal maw'izatil hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. So the topic that we selected for today was relationship management. And before I start to address this management part, because that's not the real thing, when I say topic rakha isliye tha ki tum logon ko lage ki crisis jo tum logon ki zindagiyon mein chal rahe hain usko manage kaise karna hai with regards to sometimes parents, sometimes spouses, sometimes office mein kya chal raha hai. So usse pehle jo word hai relationship, mujhe ye lagta hai ki humne usko samjha hi nahi hai ki relationship kehte kisko hai aur usko build kaise karte hain, because if you really know that to management aasan ho jayegi. So otherwise, so yani ki before I move on to that relationship ko samjhana ki bhai relationship kisko kehte hain aur usko build kaise karna hai, सो इस मैनेजमेंट पे थोड़ा सा ना चाहते हुए भी जोर डाल देते हैं. ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज हमारी जिंदगी में हमारा एटीट्यूड क्या होता है, बिकॉज वी नॉट प्रीएम्प्टिंग थिंग्स. तो इस दिस इज व्हाट आई कॉल फायर फाइटिंग एटीट्यूड, कि जब आग लग जाए तो क्या करना है. सो जब आग लगेगी तो उसको बुझाना है, और आग को अगर बुझा दो तो अल्हम्दुलिल्लाह. फॉर एग्जाम्पल, यू कुड यूज़ मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दैट. आप पानी से बुझा सकते हो, आप गैस से बुझा सकते हो, कोई और साइंटिफिक सोल्यूशन वो यूज़ कर सकते हो आग को बुझाने का. बट देर आर टू मिस्टेक्स इन दिस अप्रोच. एक ये, एंड देन आई विल रिंक टू दिस फैक्ट टू रिलेशनशिप्स, के जब आग लगे हम आग बुझा दें और एक सवाल ना पूछें कि आग लग क्यों रही है. बिकॉज आग बुझाने का एटीट्यूड, आग ना बुझाओ तो और मसला है, लेकिन आग बुझाने का एटीट्यूड काफ़ी नहीं है ज़िंदगी में. जैसे मैं कहता हूँ ना, पाकिस्तानियों का मसला ये है कि हम सैलाब आने के बाद, इनफैक्ट सैलाब के गुजर जाने के बाद, सिर्फ डैमेज असेसमेंट करते हैं कि भाई क्या क्या हुआ, साथ ही ले गया, एंड देन हाउ डू वी रिकवर फ्रॉम इट. लेकिन सैलाब आ क्यों रहा है और वो बार बार मुझे ये डैमेज कर क्यों रहा है, हम उस पर फोकस नहीं करते. तो रिलेशनशिप्स के एतबार से भी वन ऑफ द क्रूशल मिस्टेक्स दैट वी एंड अप डूइंग इज़ कि हम हमेशा रिलेशनशिप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं क्राइसिस आने के बाद, किसी के साथ अनबन हो जाने के बाद. भाई वो अनबन हो क्यों रही है ये सवाल नहीं पूछते, ठीक है, एंड दैट्स द नॉर्मल बिहेवियर. अच्छा, उसकी एक वजह, एंड अगेन दैट इज नॉट द टॉपिक टूडे, इज आर सेल्फिश इंटरेस्ट. हर एक का फोकस सिर्फ अपनी ज़ात है और वो अपनी ज़ात के अंदर मस्त है, और वो क्योंकि ज़ात कुछ ना कुछ दूसरों से जुड़ी हुई है तो दूसरों के साथ जो ताल्लुक है वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए. सो दैट इज़ समथिंग आई एम नॉट गोइंग टू एड्रेस टुडे. लेकिन ये सवाल पूछना कि ये मसला हो क्यों रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि मैं उसको एड्रेस करूँ ताकि आइंदा वो मसला ना हो. दैट्स व्हाट आई कॉल रिलेशनशिप बिल्डिंग. अगर रिलेशनशिप बिल्डिंग की होगी तो मैनेजमेंट आसान होगी. इसका ये मतलब नहीं है कि रिलेशनशिप बिल्डिंग करते रहें तो मसला नहीं होगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है. लेकिन अगर आपने रिलेशनशिप बिल्डिंग की होगी तो रिलेशनशिप मैनेज करनी वो आसान हो जाएगी. लेकिन अगर कभी रिलेशन बिल्ड की नहीं है तो फिर मैनेज बड़ा मुश्किल काम है. एंड खास तौर पर जितना करीबी कोई हमारे है उतना यह मसला ज्यादा होता जाएगा. अच्छा, इसके साथ एक दूसरी, फॉर अ थिंकिंग पर्सन हु रियली थिंक्स थ्रू कि भाई ये मसला क्यों हो रहा है, तो वो एक गलती करता है, विच इज अगेन अ मिस्टेक विद इन दैट रिलेशनशिप मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव से, कि जिस वक्त आग लगी हो उस वक्त आग बुझाओ, उस वक्त क्यों का सवाल ना करो. क्योंकि वो उस वक्त, जिस वक्त रिलेशनशिप खराब हुई है तो अभी अब आग लगी हुई है, दैट्स नॉट द टाइम टू करेक्ट इट. बिकॉज हम में से वो जो सोचने वाला शख्स है वो उस वक्त गलती क्या करता है कि वो आग बुझाने की बजाय उस क्यों के सवाल पर चला जाता है कि जी ये हुआ क्यों, हम वो ठीक कर लें. नहीं भाई, इस वक्त वो टाइम नहीं है. दिस इज नॉट द टाइम टू रेक्टिफाई
कि why it occurred. ओ भाई it's occurred, इसको सॉल्व करो इस वक्त. ठीक है, इसके मैं मिसाल देता हूँ. अल्लाह के नबी सल्लम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर हैं, एंड बिकॉज ही वॉज मैरिड टू मल्टीपल वाइफ्स सो ही वुड गिव वन डे टू ईच वाइफ. तो असर से मगरब के बीच में अल्लाह के नबी सल्लम तमाम अजवाज को मिल लेते थे एवरी सिंगल डे, एंड देन एवरी सिंगल नाइट वुड बी हिज टाइम विद वन ऑफ द वाइफ्स. भाई वो असर से लेकर मगरब तक कैसे सेटिस्फाई कर देते थे, ये एक अलग दुनिया है ना. हम तो एक को भी खुश नहीं रख पाते, कहते जी इस्लाम में मल्टीपल की इजाज़त है. मैंने कहा इस्लाम आपने सही पढ़ा नहीं है ना, उसके अंदर एक असूल था कि अगर अदल कर सकते हो तो फिर, नहीं तो वाहिद. ओ भाई इधर तो एक नहीं संभाली जा रही, क्योंकि वो एक हमें संभालने की कोशिश करती रहती है. सो आई वॉन्ट गेट इन टू दैट. हाँ, अल्लाह के नबी सलाम का, एंड अगेन बिकॉज ही इज रिलेशनशिप बिल्डिंग वाला परस्पेक्टिव, नॉट मैनेजमेंट वाला परस्पेक्टिव. हम ये सोच रहे थे कि जी नौ वाइफ्स को मैनेज कैसे कर रहे हैं, और अल्लाह के नबी सलाम रिलेशनशिप बिल्डिंग कर रहे हैं. तो अम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पे हैं आप, एंड जारी बात है जिसके घर पे हो तो होस्ट भी वही है, तो होस्ट का काम है होस्टिंग करना. तो नॉक होता है तो किसी और वाइफ ने उस वक्त मीठा बना के प्याले में, तो वो गिफ्ट के तौर पर भेजते हैं. अब इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमेना कि यार ये मेरी डोमेन है, एंड वुमेन आर वेरी टेरिटोरियल इन दैट सेंस, एंड इट्स वेरी पॉजिटिव बिकॉज वो उनके जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जेंडर रोल्स रखे हैं वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये बात पसंद नहीं आती कि आप, यानी कि आज मेरी बारी है तो उस बारी में आप क्यों ये कॉन्ट्रीब्यूशन भेज रही हैं. तो वो गुस्से में उसको हाथ मारती हैं, तो वो प्याला नीचे गिर जाता है, टूट जाता है, अब वो जो भी मीठा था, जो भी उसके अंदर आया था, वो ज़ाया हो जाता है. तो अब अल्लाह के नबी सलाम ये देख रहे हैं. सो आई एम टॉकिंग द डिफरेंस बिटवीन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग, और मैनेजमेंट के अंदर क्या कर रहे हो कि अब इस वक्त एक गड़बड़ हो गई है, दिस इज़ नॉट द टाइम टू रेक्टिफाई, दिस इज़ द टाइम कि भाई ठंडा करना है. तो अल्लाह के नबी सलाम एक और प्याला पकड़ते हैं, और वो जो खादिम लेके आया होता है उसको देते हैं और कहते हैं गैरत उम्मो की, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई. गैरत क्या है भाई, सिनारियो क्या है कि अल्लाह के नबी सलाम का आज आयशा के साथ दिन है तो कोई और क्यों उसके अंदर इंटरवीन कर रहा है. तो वो एक बहुत नेचुरल सर्कमस्टेंस है जिसमें आप फरमा रहे गैरत उम्मो की, और वो प्याला दे दिया ताकि वो प्याला वापस चला जाए. और अल्लाह के नबी सलाम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कुछ नहीं कहते. अब ये जो बात हमें समझ नहीं आती ना, इसका ये मतलब नहीं है आपने मसला हल नहीं किया. अल्लाह के नबी सलाम ने कुछ ना कहकर वो कुछ कह दिया है जो शायद आप उस वक्त समझाने में, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड, इफ यू रिमेंबर द लास्ट टॉक, यू गॉट टू एक्नॉलेज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम बिफोर यू गो टू वर्ड्स रिजॉल्विंग इट आउट. आपने वो गैरत उम्मो की करके आयशा को एक्नॉलेज कर लिया कि यस आपको गैरत आई इस बात पर कि आज इंटरवेंशन क्यों की गई, बट देन वो प्याला दे के मेंड करके वापस भी भेज दिया कि भाई वो जिन्होंने भेजा था प्याला वो भी, जाहिर बात है उनकी फीलिंग्स हर्ट होंगी, तो वो प्याला उनको वापस भेज दिया. तो अल्लाह के नबी सलाम ने अब ये मामला ठंडा कर दिया और कुछ ना कहकर बौछकूद कह दिया. एक और मिसाल देता हूं, हमारा कोई काम करने वाला हमारी बात पूरी ना करे, मैं बॉस हूं. तो अल्लाह के नबी सलाम के एक खादे में अनस रज़ी अन्हु हो, वो जब मदीना पहुंचते हैं तो बहुत यंग एज में होते हैं, 9-10 साल के होते हैं, तो वो अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश कर दिए जाते हैं. फिर वो 10 साल मदीना के अल्लाह के नबी सलाम की खिदमत में रहते हैं. ही इज़ वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग सहाबा, और अल्लाह ताला उनको 100 से ऊपर साल की उम्र देते हैं. तो अनस रज़ी अन्हु अल्लाह के नबी की खिदमत में होते हैं. भैया अब 9-10 साल का बच्चा, आप सोच लो कि हमारे ज़माने में तो 9-10 साल का तो हम बच्चा भी नहीं कहते उसे भी, बच्चा तो 20-25 साल का होता है ना, क्यों भी कामरान. हाँ, और बड़ा 35-40 साल का होता है जिस वक्त वो निंटेंडो खेलना शुरू करता है. सो अनस रज़ी अन्हु अल्लाह के नबी की खिदमत में, आप उन्हें कोई काम बताते हैं और वो काम बता के अनस बाहर जाते हैं, और बाहर बच्चे खेल रहे होते हैं, उनके जहन में होता है कि मैं भी थोड़ा सा खेल लूँ और काम कर दूंगा. वो खेलते रहते हैं, भूल जाते हैं. पता तब लगता है जब वो अल्लाह के नबी सलाम को वो काम करके वापस जाते देखते हैं, अब ट्रिगर ऑन हो जाता है कि भाई वो ये क्या होने वाला है. तो अल्लाह के नबी सलाम से वो डरते उस हालत में वापस आते हैं. तो जब घर पहुंचते हैं तो अल्लाह के नबी सलाम मेंशन भी नहीं करते. अब वो बच्चा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे डांट पड़ेगी, और अल्लाह के नबी सलाम की तरबियत का अंदाज क्या है कि कुछ ना कहकर मैसेज दे दिया. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, हमारा प्रॉब्लम फॉर द थिंकिंग पर्सन इज कि वो उस क्राइसिस मोड में मसले को हल करने की तरफ निकल जाता है,
जबकि मैंने कहा उस वक्त मसले को ठंडा करना है, हल जब खुद ठंडे हो जाओ तब करना है, क्योंकि वो कहते हैं ना तपते तवे पे जब रखोगे तो भाई तो 2, 4, 5, 6 तो जलेंगे उसके अंदर. सो रिलेशनशिप मैनेजमेंट मुमकिन नहीं है जब तक रिलेशनशिप बिल्डिंग ना कर लो. सो द टॉक कुड हैव बीन ऑन कि भाई वो आग कैसे बुझानी है, एंड दैट्स नॉट द टॉपिक. कि वो आप लोग मुझे आई एम नॉट गोइंग टू टेक क्वेश्चंस ऑन दैट, कि मुझे बाद में मैसेज करोगे मैं अब्बा के साथ भी ठीक नहीं हूँ, ये भी ठीक नहीं हूँ, वो भी ठीक नहीं हूँ, बॉस भी तांगे मेरे से. सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. लॉन्ग टर्म गेम है, रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा, मैनेज खुद ही होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप बिल्डिंग वो है जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाई है. एंड दैट इज़ व्हाट ही हैड विद द सहाबा. वो दीवाने क्यों थे? वो दीवाने इसलिए थे कि उनको किसी ने तामीराती उस अमल से गुजारा था कि जिसमें वो मजबूत असाब के, मजबूत किरदार के, मजबूत अखलाक के लोग बन गए थे. सो दिस आई कॉल देम प्रोडक्टिव रिलेशनशिप्स. प्रोडक्टिव रिलेशनशिप्स जिंदगी में क्या करते हैं? फर्स्ट असूल उसका ये है, दीज आर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप बिल्डिंग का कोई तसव्वुर ही नहीं है जब तक वो रेसिप्रोक्रेट ना हो रहा हो. तो वो क्या है कि इसमें कुछ देना है कुछ लेना है. ये जो कुछ लेने वाला माइंडसेट है ना, क्योंकि मैंने कहा ना सेल्फिश माइंडसेट, बट मेरा फायदा किस में है, ये बिल्ड नहीं हो सकता कभी भी. ये बेचारा फिर सारी जिंदगी मैनेज ही करता रहेगा, क्योंकि सिर्फ अपना फायदा सोच रहा है, जहां आग लगेगी उसको बुझाएगा. अपना फायदा सोच रहा है फिर जहां आग लगेगी उसको बुझाएगा. सो रिलेशनशिप बिल्डिंग का असूल ये है कि फॉर देम टू बी प्रोडक्टिव दे हैव टू बी अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप. कुछ फायदा आपको देना है अगर फायदा लेना चाहते हो. और आमतौर पर तो मैं वो टर्म अजवाज यानी कि स्पाउसल रिलेशनशिप्स के लिए यूज करता हूँ, but that applies to everything. So like a relationship is like an empty box. You can only take out as much as you put in. And if you're always taking out more than you put in, the box will always be empty. So ye asool hai ki jab aap relationship building ki baat kar rahe ho, to you have to put in the box before you take out. Because if you just have the mindset ki is relationship se maine lena kya hai, to wo hamesha wo khali relationship hogi jiski koi bunyad koi mazboot nahi hogi. And even if it's very close relationships, चाहे माँ बाप के साथ relationship है, चाहे बहन भाई के साथ है, क्योंकि वो हमने assume किया हुआ है माँ बाप है उनका ही काम है देना. नहीं, I have to think of what I can contribute. और वो contribution different stages of life में different होगी. For example, most of you are students की age में, तो भाई वो जिन्होंने सारी जिंदगी पैसा लगाया है उनको कम से कम इतना पे बैक तो करो कि जो सीखने गए थे वो सीख के आओ. क्या सीख रहे हो वो मेरा काम नहीं बताना, तुम्हारा अपना काम है. But you've got to be sincere to yourself कि उस relationship में उस stage पे क्या दे सकते हो. So relationship का असूल क्या है कि वो reciprocal होंगे. You've to learn to give before you take, and that's अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत. अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? इसका एक जो सबसे बड़ा फायदा है वो आखरत में है, कि आखरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत, क्योंकि एंड अगेन दीन और दुनिया में ना असूल फर्क नहीं होते. जो माइंडसेट है ना, वो जो आखिरत की कामयाबी का माइंडसेट है वही दुनिया की कामयाबी का माइंडसेट है, और जो दुनिया की कामयाबी का माइंडसेट है वही आखिरत की कामयाबी का माइंडसेट है. हेंस रब्बना आतिना फि दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार. कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम दुआ क्या मांगते हैं? पहले दुनिया फिर आखिरत. लेकिन दुनिया मुतलकन नहीं, दुनिया की हसनात. बिकॉज ये हो नहीं सकता कि कोई ऐसी नेमत दुनिया की फायदेमंद हो जिससे आखिरत डिस्ट्रॉय हो जाए. ये मुमकिन ही नहीं है. यू कैन नॉट हैव दैट एटीट्यूड कि भाई पहले तो दुनिया सेटल कर लूँ फिर आखिरत देखूंगा. ये पाकिस्तान के रिटायर्ड बाबों ने कल्चर सेट किया है, क्योंकि मसाजिद में सारे बेचारे रिटायर्ड बाबे हैं, तो उन्होंने हमें एक ट्रेंड सेट करके दिया है कि सारी जिंदगी अपनी मर्जी से अयाशी से चश्मे गुजारो, और फिर रिटायरमेंट के बाद क्योंकि कोई और काम नहीं होता तो फिर मस्जिद में बैठ जाओ. अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि जब हम वेन्यू चेंज की बात करते हैं हमें, तो वो कहते हैं कि आप मस्जिद में बयान क्यों नहीं करते. मैंने कहा इसलिए मस्जिद में बयान करना सबसे मुश्किल है. आधा घंटा आप बयान करते हैं, फिर 12 घंटा बाबे आपको बयान करते हैं. वो बच्चा आपसे कोई सवाल पूछता है तो 2 मिनट आप उसका जवाब देते हैं, 20 मिनट वो देते हैं. आई नो, बिकॉज वो घर से तंग होते हैं, घर वाले तो उनको इतना टाइम देते नहीं हैं, तो वो फिर आपको उस एनवायरनमेंट में, अनलेस यू कैन कंट्रोल दैट एनवायरनमेंट समहाउ. तो मैंने कहा बड़ा मुश्किल हो जाता है रिलेशनशिप बिल्डिंग करना. इट्स नॉट लाइक दे रॉन्ग, बट देन एवरी यूनिक बाबा हैज अ यूनिक पर्सपेक्टिव टू हिज लाइफ. सो हम किस किस की यूनिकनेस को वहां पर मैनेज करते रहेंगे? नहीं भाई, कहीं और कर लेते हैं. सो आखिरत में इसका फायदा वो क्या होगा कि अल्लाह के हाँ सबसे ज़्यादा कीमती जो चीज़ है ना, जो तुम्हारे एतबार से कबूल की जाएगी, वो ये रिलेशनशिप्स के साथ सिंसेरिटी है. बिकॉज देखो, इबादत इज़ लाइक 5-10% ऑफ योर लाइफ,
पांच वक्त नमाज जिस स्पीड पे हम पढ़ते हैं पौना घंटा, तो मैथ्स कर लो, लेट्स से 1 आवर, बहुत बड़े वली हैं आप, तो एक घंटे को 24 पे मैप कर लो तो भाई कि वो क्या परसेंटेज बनती है। जिंदगी में एक दफ़ा हज करना है, पूरे साल में एक दफ़ा रमज़ान है, तो दैट्स 1/12, करते जाओ परसेंटेज कैलकुलेट। सो ऑफ योर लाइफ, जो वो इबादत जिसको हम कहते हैं भाई वलायत का आला मुकाम है, दैट्स लेस देन 10% 20% ऑफ योर लाइफ। तो बाकी 80% क्या है? रिलेशनशिप्स, क्योंकि आप बेटे भी हैं, आप भाई भी हैं, आप माशरे के फर्द भी हैं, एंड इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। और वो जो कयामत के रोज सवाल होना है, वो सवाल होना ही इस बात पर है कि डिड यू लिव अप टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दोज रिलेशनशिप्स और नॉट। चाहे वो बाप के एतबार से है, वो माँ के एतबार से है, वो बेटे के एतबार से है, वो कलीग के एतबार से है, वो बिजनेस पार्टनर के एतबार से है, यू कैन एक्सटेंड इट टू एवरी सिंगल पॉसिबल सिनेरियो इन लाइफ, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। अच्छा, फिर आखिरत में तो फायदा है ही, दुनिया में प्रोडक्टिव रिलेशनशिप का सबसे बड़ा फायदा, यू विल नेवर बी अलोन। जैसे मैं कहता हूं ना कि ये जो सोशल मीडिया का फितना है ना, इसमें वो कहते जी मेरे 3 मिलियन फॉलोवर्स, वो कहते जी 100 मिलियन फॉलोवर्स, वो मिस्टर बीस्ट के वो 1 बिलियन फॉलोवर्स। अच्छा ठीक है जी, वो 1 बिलियन फॉलोवर्स तब तक है जब आप कई मिलियन डॉलर लगा के एक राफ्ट पे एक हफ्ता गुजार रहे हैं एंड लिविंग आउट इन द डेजर्ट, लाइक गुड लक मैन। जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन कौन साथ खड़ा है वो असल है, वो तब पता लगेगा, अल्लाह बचाए उस मामले से, वो पता तब लगेगा जब जरूरत पड़ेगी। मैं भी जरूरत की एक एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूं। आई हैव अटेंडेड जनाजाज जहां पे इतने लोग ना, चारपाई के चार पाए उठाने के लिए और कब्र तक पहुंचाने के लिए तो लोग हों। ये वो हकीकत है कि जिस वक्त आपके सुपरफिशियल फायदों का उसको कोई लेना देना नहीं है, तो वो आपकी चारपाई उठाने के लिए भी लोग नहीं पहुंचे होंगे। सो इफ यू रियली वांट टू टेस्ट के भाई हमारे पास वाकई रिलेशनशिप्स हैं कि नहीं, तो वो जरूरत के साथ कितने लोग खड़े होते हैं। आखिरत के एतबार से तो फायदा है ही है, दुनिया के एतबार से यू विल नेवर बी अलोन। अगर आपने अपनी रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको जरूरत कम होगी, हेल्प ज्यादा मिलेगी, which is going to lead to what? It's going to give you the encouragement, it's going to give you the confidence, it's going to make life easy for you. You will always have somebody positive out there jo aapko us crisis mein na sirf ye ke wo silver lining dikhayega balki aapka bazu banega usme se guzarne ke liye. Aur ye sabse khush kismat log hote hain who have somebody on their side. And in fact main to isko yun samajhta hu ke wo sabse khush kismat insaan hai jisko duniya nahi दीन के एतबार से वो दोस्त मिल जाएं जो उसको सहारा देने के लिए तैयार हैं। आजकल होता है ना, अच्छा भला नेक शख्स भी पीयर प्रेशर में वो गया, ओ बेवकूफ क्या पढ़ ले, हराम की बात तो करते ही नहीं ना, चल भी चलें पार्टी करें। वो पार्टी जिसने दुनिया भी डुबोनी है और आखिरत भी डुबोनी है। वो कहते पाकिस्तान बहुत काबिल जहनों का मजमुआ है, जुगाड़ू जहनों का मजमुआ है। पाकिस्तान की काबिलियत क्या है वो किसी भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड पे देख लो, हम कहीं नहीं पूरे उतरते। तेरी हमें कोई वैल्यू नहीं करता भाई, हमने अपनी मार्केट वैल्यू में इन्वेस्ट कब किया। तो दीन के एतबार से ऐसी सोबत मिल जाए कि जब आप गिरे हुए हो, भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया, एक दोस्त को फोन किया है, चार दोस्त आ गए हैं, उन्होंने आपको सपोर्ट भी किया है भाई, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, डॉक्टर भी। इससे बहुत बड़ा वो दोस्त है कि जब आप स्पिरिचुअली गिरे हुए हो तो आपको हाथ देने वाला है, वो उस वक्त आपकी सपोर्ट बनने को तैयार है, वो आपके खैर के सफर का साथी है, आप कहीं गुनाह में पड़ने लगो वो आपको रोक देता है, हाँ वो कॉल करके आपको उठा देता है कि भाई ये वाला काम हम नहीं करते। ये इससे बड़ी कोई नेमत हो नहीं सकती। एंड हेंस भाई सारी जिंदगी में ये जो एंग्जाइटी और गम और ये है क्या, ये रिलेशनशिप फेलियर के गम है ना भाई, कभी कहीं फेल कर गए, कभी कहीं फेल कर गए, इट्स नॉट अबाउट अशिया। ये तो अगर आप बिल्कुल सेक्युलर पर्सपेक्टिव से भी देखोगे ना तो कहेंगे अशिया में इत्मीनान नहीं है, अशिया में एंटरटेनमेंट है, लस्ट है, मीनिंग नहीं है, मीनिंग रिलेशनशिप्स के थ्रू आता है। आई वाज लिसनिंग टू अ टेड टॉक, उसने कहा कि लॉन्जेविटी, कितनी ज्यादा लंबी सक्सेसफुल सेहतमंद जिंदगी गुजारोगे उसके क्या पैरामीटर्स होंगे, तो उनके पैरामीटर्स में फॉर एग्जाम्पल हेल्दी लाइफ स्टाइल, डाइट, ये कहाँ आना चाहिए। तो उसने कहा अगर 20 स्टेक्स हैं, अगर आप 20 पैरामीटर्स पर उसको पूरा कर रहे हो तो डाइट और ये जो चीजें हैं 16th, 17th, 18th। नंबर वन लॉन्जेविटी के लिए मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, नंबर वन। तो पूछो फिर कि ये कैसे होगा भाई, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स कैसे होंगी। सुकून और इत्मीनान अशिया से नहीं आता भाई, कितनी देर अपने सेलफोन के साथ बैठे रहोगे,
भाई आजकल तो एक्सपायरी इतनी है कि अगर अभी वो आईफोन 16 लॉन्च हो गया भाई, हाँ आईफोन 16 अभी अभी ऑर्डर करें कल आ जाएगा, आधे घंटे बाद यू डन विद इट भाई। अब तो वो भी इतने पापी हैं कि 12 13 14 15 16 में सिवाय नंबर चेंज करने के कुछ नहीं किया। ये पागल बने हुए हैं तो बनाई रखो इनको, तो गधे हैं बिल्कुल। जैसा मैं कहता हूं ना कि एक ट्रांस एटलांटिक स्लेवरी थी जिसमें जब न्यू वर्ल्ड अमेरिका डिस्कवर हो गया तो यूरोपियंस ने कहा भी वहां पे काम करने वाला बंदा नहीं है, अफ्रीका से उठा उठा के लेके जाओ। तो बॉन्डेड लेबर में थे, मिलियंस मारे गए, मिलियंस को उन्होंने वहां पहुंचाया। इसलिए 23% पता नहीं कितना अमेरिका का आज भी वो ब्लैक अफ्रीकन हैं। वो क्यों है भाई, यहां से एक्सपोर्ट किए थे उनको, बट वो मजबूर थे, उनको जबरदस्ती लेके जाया जाता था और वहां पे स्लेव फार्म्स, वो सारी प्लांटेशंस पे काम करो, मजदूर चाहिए। लेकिन वो अकलमंद लोग थे। वो अकलमंद क्यों थे, मजबूर होके गए, मर्जी से नहीं गए। एक हम है, हम खुद अप्लाई करते हैं कि भाई हमें वीजा दो, हम बॉन्डेड लेबर के लिए तैयार हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहना पड़ेगा, हमें टके देना चंद, हम 18-18 घंटे काम करने को तैयार हैं, बीवी बच्चे यहां पे हैं। भाई कौन सी जिंदगी है? And again, I'm not making a personal comment on somebody's personal life. मैं इस ट्रेंड को कि भी माँ बाप यहाँ पे हैं, बच्चे बीवी यहाँ पे हैं, and millions वो बाहर जा रहे हैं। Again, वो आपको जिशान उस्मानी को सुनना पड़ेगा, वो कहेगा जी आओ पाकिस्तान, चलो चलो पाकिस्तान से भागो। So I'm not challenging him, पर मैं कह रहा हूँ कि ये myth उसको address करना ज़रूरी है। हम उस bonded labor के लिए खुद तैयार हैं, because relationships का कोई मानी है ही नहीं हमारी ज़िंदगी में। एंड वो चलो चलो पाकिस्तान से पिछले चलो कि हम पाकिस्तान में मेहनत करने को तैयार नहीं है। वो अगर पाकिस्तान में मेहनत करोगे तो अगेन पाकिस्तान जन्नत है। जितनी अयाशी हम यहाँ पे कुछ ना करके कर रहे हैं, कुछ करें तो सोच कितनी अयाशी होगी, वो हम सोचते नहीं हैं। अगर कुछ ना करके ये मुल्क 75 साल से खाई जा रहा है, पता नहीं यार कितना खजाना है। ऐसे तो ऑयल रिजर्व्स अल्लाह ने सऊदी अरेबिया कभी नहीं दिए, उनको भी पैक हो गई। MBS ने कहा अल्टरनेट की तरफ जाओ, हम खाई जा रहे हैं इस मुल्क को। वो कहते नहीं 30 साल पहले के अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने तो एग्जैक्टली सेम हालात हैं। मैंने कहा ये तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट का कमाल है, मगर इससे ज्यादा स्टेबिलिटी कैसे होगी कि 70 साल से हालात चेंज नहीं होने दिए। ऐसी स्टेबिलिटी को तो अमेरिका तरसता है भाई। यू कैन नॉट सेंड दिस आउट। तो एंग्जाइटी खत्म होती है, इंसान की सिक्योरिटी, उसकी फीलिंग ऑफ हैविंग अ मीनिंग इन हिज लाइफ, वो प्रोडक्टिव रिलेशनशिप से वो बढ़ती जाती है। हाउ डू यू बिल्ड दोस प्रोडक्टिव रिलेशनशिप्स? A number of steps. The first and like जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे यकीन नहीं आया कि अल्लाह के नबी सल्लम ने सही मुस्लिम की हदीस है फरमाया कि डोंट कंसिडर एनी थिंग इन सिग्निफिकेंट आउट ऑफ द गुड थिंग्स दैट यू कैन डू। कोई भी चीज़ इनसिग्निफिकेंट नहीं होती। एंड सरप्राइजिंगली व्हाट ही सेज इज कि इफ इट इज दैट यू मीट योर ब्रदर विद अ चीयरफुल काउंटेनेंस, मुस्कुराते चेहरे के साथ अपने भाई को मिलना, ये जो मुस्कुराहट है ना बिल्डिंग रिलेशनशिप्स में, दैट्स द फर्स्ट असूल सवाय शेर खान के। हाँ शेर खान इस मुस्कुराने के साथ आगे और काम भी करने हैं। वो कहा मुस्कुराते रहो मुस्कुराते रहो मुस्कुराते रहो, तो नहीं वो कहीं जाके गड़बड़ होगा भाई। हाँ सो नहीं, बट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंसान का माइंड पॉजिटिवली ट्रिगर हो जाता है जब आप मुस्कुराते चेहरे के साथ मिलते हो। इसलिए अल्लाह के नबी सलाम के बारे में आता है कि आपका जो वेलकमिंग नेचर थी उसका एक बहुत बड़ा पार्ट वॉज कि आपका मुस्कुराता चेहरा होता था। People would fall in love with him. He would welcome people with the demeanor that he would have towards them. तो ये बहुत छोटी सी बात है, but relationship building के अंदर बहुत important है, and it's like contagious. जैसा आपका ये corona virus contagious है ना, कि फैलता है। तो ये जो मुस्कुराहटें फैलाने का attitude होता है ना, is a person that is easy to hang out with. So ये relationship building का सबसे पहला असूल है। इसीलिए वो जो पुराने माँ बाप का था ना कि बाप घर में आ रहे हैं गब्बर सिंह आ रहे हैं, बिलासा माय नबी सलाम की सुनना, दे आर फ्राइटेंड इनटू कंप्लाइंग टू द फादर। ये बिल्कुल ऐसे जैसे बॉन्डेड लेबर है, तो ये बाप घर में आ रहा है कि जल्लाद घर में आ रहा है। सो बाप का घर में आना, देखो वो रिलेशनशिप इतनी कीमती हो कि बच्चा उस रिलेशनशिप को तोड़ने से घबराए, उसका दिल घबराए कि यार बाप नाराज हो गया तो क्या होगा। That's the kind of relationship that you were supposed to build with your kid. It's not like you main aa gaya hu. Agar tu na soya to lai, that's not the way you do it. Wo muskurata chehra pehli shart hai ki relationship mein you've got to make the other person feel good about you. Theek hai, acha by the way muskurate kiski taraf hai jisko hum expect kar rahe hain, iske sath hum aage
वो बॉन्ड बढ़ाना चाहते हैं, जिसके साथ नहीं बनाना चाहते तो वहां पे तो देखते भी नहीं है, वहां पे वेलकम तो दूर की बात है ना, ये ना आप अपने फिजिकल जेस्टर से शो करते भाई यू नॉट इंटरेस्टेड, टॉक टू द हैंड। तो जब रिलेशनशिप बिल्ड करनी है ना तो देन योर एटीट्यूड कैन नॉट बी टॉक टू द हैंड, एंड अगेन इसके लिए फिर वो सेल्फिशनेस छोड़नी पड़ेगी, यू हैव गॉट टू मेक दैट वेलकमिंग नोट टू अदर्स। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। दूसरा, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए जिससे रिलेशनशिप बिल्ड करनी है उसको सुनना शुरू करो। हमें अनफॉर्चुनेटली आदत पड़ गई है सिर्फ सुनाने की। जब आप सुना रहे हैं तो आप समझ नहीं रहे, इसलिए वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मुंह और दो कान दिए थे, तो जितना बोलते हो उससे डबल सुनना चाहिए। अगर कंज्यूम ज्यादा नहीं कर रहे जितना बाहर आउटपुट क्रिएट करते जा रहे हो, दैट्स अ प्रॉब्लम। आजकल की रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है, वी नॉट इवन लिसनिंग। एंड उससे होता क्या है भाई, मसला हल हो या ना हो वो तो सर्कमस्टेंशियल है, कभी होगा कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपना गम सुनाना चाह रहा है पाकिस्तान में रहते हुए कि भाई बिजली नहीं है या गर्मी बहुत है, भाई तो मेरे सुनने से गर्मी का मसला तो नहीं हल होना, बट मेरे ना सुनने से गर्मी के साथ एक और मसला हो गया कि मेरा कौन है। ये जो फीलिंग है ना कि मेरा इस दुनिया में है कौन, दैट्स लाइक अ डेडली वायरस फॉर रिलेशनशिप्स। सो यू हैव गॉट टू बी अ गुड लिसनर, बात सुनने की आदत डालो। इसीलिए आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के नबी सल्लम के बारे में कि आप, यानी कि वो इतना कम और इतना क्लियर डिस्टिंक्ट बोलते थे कि यू कैड काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट ही स्पीक्स। इसीलिए आपको जवामेउल कलम कहा जाता है ना, कि आप बहुत मुख्तसर बात करते थे, बट इट वुड बी होलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ ऑल एनकम्पसिंग अपने मायनी के एतबार से। तो अल्लाह के नबी सल्लम की एक सुन्नत मुबारक थी कि ही वॉज अ गुड लिसनर। अच्छा, गुड लिसनर क्या होता है, मैं अक्सर वो टीचर्स को कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इफ लास्ट आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड एंड शेर खान आस्क मी अ क्वेश्चन, नहीं सर मुझे कहना सर मोइन, और मैं यूं देखता हूँ और भी मेरा हाथ यहीं पर ही है, तो व्हाट्स द मैसेज दैट आई एम गिविंग टू शेर खान, कि भाई इंपॉर्टेंट तो यही है आप बकें फौरन ताकि मैं आपको रिप्लाई करूँ एंड देन आई गेट बैक टू माई वर्क। दैट्स अ सबलिमिनल मैसेज, दैट्स अ सबलिमिनल मैसेज। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फोन पकड़ा हुआ हाथ में और हमारे हाफिज साहब वो तकाजा कर रहे हैं अपनी आंखों की प्यारी मुस्कुराहट से कि वो मुझसे कोई बात करना चाह रहे हैं, एंड मैं यूं कर रहा हूं, एंड आई एम अ कल्प्रिट टू दिस मायसेल्फ, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट नाउ द मैसेज आई एम गिविंग इज कि भाई ये जरूरी काम मैं कर रहा था, सिर्फ तेरी वजह से पॉज किया, कितना बड़ा एहसान किया मैंने तेरे पे, गई रिलेशनशिप। एंड ये सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां कर रही होती है, मियां बीवी के बीच में, माँ बाप के बीच में। हमारे पास अपनी वालिदा को सुनने का टाइम नहीं है, हमारे पास अपने बूढ़े बाप के साथ उसको कान देने का टाइम नहीं है। एंड अगेन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, नोबडी केयर्स अबाउट एनीथिंग, एंड दैट्स लाइक अ प्रॉब्लम। तो जिस वक्त, अच्छा लिसनिंग का मतलब क्या, इसीलिए कि अल्लाह के नबी सल्लम वुड नेवर गो साइडवेज टू लिसन टू समबडी, ही वुड एड्रेस विद हिज चेस्ट फेसिंग दैट पर्सन, जिसे कहते हैं ना पूरी तवज्जो से और फिर इसके ऊपर मुस्कुराहट डाल दोगे। सो ना सिर्फ ये कि आप मुस्कुराते चेहरे के साथ एड्रेस कर रहे हैं, बट देन इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन द पर्सन कि हाँ भाई बताओ क्या है, एंड ही वुड नेवर डिसरप्ट। मदीना मुनव्वरा की एक खातून के बारे में आता, तो शी वॉज लाइक नॉट इन हर सेंसेस काइंड ऑफ वुमन, अब पूरी सी बस औरत थी और लाइक डजंट मेक सेंस टू एनीबडी। आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकाजा करती है, मैंने प्राइवेसी में आपसे बात करनी है, तो अल्लाह के नबी साथ चल जाती हैं थोड़ा सा साइड पे, ओके अब वो बातें करती रहती, क्या बात कर रही होगी भाई, नॉट इवन इन हर सेंसेस, पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी पूरी बात सुनते हैं, उसकी तसल्ली कराते हैं, देन ही मूव्स ऑन। भाई दिस इज अ मैन ऑन अ ग्लोबल मिशन, रहमतुल लिल आलमीन, और पूरी दुनिया फतेह करने का मिशन दिया हुआ है इन अ स्पिरिचुअल सेंस, ठीक है। तो भाई उनके पास ये वक्त कैसे आ गया कि आप लोगों की पूरी बात सुनते थे। अच्छा, हाथ मिलाते हो ना जब, या फॉर एग्जाम्पल गले मिलाओ, तो गले मिलते हुए एक वक्त पे कोई ना कोई पार्टनर इंडिकेशन देता है कि ठीक है भाई मिल लिया है। खास तौर पे पुराने दोस्त से मिलते हैं ना, तो वो थोड़ा ज्यादा एक दूसरे को जप्पी डालते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम जब किसी से मुसाफा करते थे या गले लगाते थे, तो जब तक अगला इंडिकेशन नहीं दे रहा ना, तो आप पीछे नहीं हटते थे। जब कोई कॉन्वर्सेशन कर रहा है, तो जब तक अगला इंडिकेशन नहीं दे रहा ना कि ही इज डन, उसका केस पूरा प्रेजेंट हो गया है, तो अल्लाह के नबी सल्लम उस कॉन्वर्सेशन को रिवर्स नहीं करते थे। अब ये क्यों जरूरी है भाई, आधे मसले सिर्फ इसी पर हल हो जाएंगे।
कि मैंने अपने दिल का बोझ निकाल दिया. बिकॉज जो निकालने वाला होता है ना, उसको भी इतनी अकल शऊर अल्लाह ने दिया होता है कि भाई हर मसला हल नहीं होना, लेकिन उसको वो अपनाइत का एहसास ही जिंदा रखने पर काफ़ी हो जाता है. सो अपनी रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हुए, ख़ास तौर पे इस डिस्ट्रैक्शन के ज़माने में जब एक काम कर रहे हो, इसलिए आई डोंट बिलीव इन मल्टीटास्किंग. भाई मल्टीटास्किंग हो ही नहीं सकती. वो कंप्यूटर जिसको हम समझते हैं मल्टीटास्क करता है, वो भी मल्टीटास्क नहीं करता. वो एक वक्त में प्रोसेसर एक चीज़ पर फोकस कर रहा होता है. द प्रोसेसिंग स्पीड इज सो मच दैट अपीयर्स लाइक एक वक्त में मल्टीपल काम हो रहे हैं. ये जो हमारा मल्टीटास्किंग का प्रॉब्लम है, हम क्या करते हैं, अल्लाहू अकबर, अब मौलवी साहब पढ़ रहे हैं और हम वहाँ सोच रहे हैं ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. वो नीचे गया, मैं अल्लाहू अकबर, हाँ फिर इसलिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, पहली रकत में आया था कि नहीं, क्योंकि मल्टीटास्क कर रहा था ना. अच्छा दोनों खड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं भी खड़ा हो गया हूँ. है जाहिर बात है, ये खड़े हो रहे हैं तो मेरी भी तो नहीं रही होगी. लेकिन अगर अब मैं मस्जिद के राइट पे खड़ा हुआ हूँ और मेरे लेफ्ट वाले ने सलाम फेर दिया, राइट वाला खड़ा हो गया रहा, मैं कह रहा हूँ मैं किसके साथ आया था, ये ब्राउन शलवार ही साथ लग रही थी, चलो भाई मैं भी खड़ा हो जाता हूँ. दिस इज मल्टीटास्किंग भाई. सो रिलेशनशिप बिल्डिंग में एक वक्त में एक रिलेशनशिप पर काम करो. गिव देम टाइम एंड क्वालिटी टाइम देने से, मैं कह रहा हूँ जब रिलेशनशिप बिल्ड हो गई होगी तो क्राइसिस में मैनेज करना आसान होगा. अदरवाइज अगर मैनेजमेंट का एटीट्यूड है ना, तो भाई फिर आग लगी रहेगी, लगाते रहो और फिर बुझाते रहो सारा दिन. फिर हर वक्त वो रेस्क्यू 112 कॉल ही चल रही होगी कि भाई आग लगी है बुझाओ आके. और इतना पानी तो है नहीं कि सारी आगे बुझ जाएं, तो फिर खुद भी फ्रस्ट्रेट हो गए. सो द सेकेंड थिंग दैट वी सपोज टू डू इज वी सपोज टू बिकम गुड लिसनर्स. वी आर सपोज टू हेयर इट आउट. अच्छा क्योंकि इसलिए कि जब हमने पूरा सुना नहीं है तो शायद हम वो सोल्यूशन दे रहे हैं, भाई मसला उसका वो था ही नहीं. उसने कहा भी मुझे बुखार हो गया था और अभी, मैंने कहा पैनाडोल खाओ, नहीं दी मैं पैनाडोल खा के ठीक हो गया, वो बुखार तो बताया नहीं था, कुछ और बताना था, बट हमने उसको मिड वे अपनी डोज देना शुरू कर दी है. तो दैट्स नॉट द वे वी शुड डू इट. एंड देन द थर्ड थिंग, यू गॉट टू जेन्युइनली केयर अबाउट अदर्स. जेन्युइनली लंबी हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इफ एनीवन रिमूव्स हिज ब्रदर्स एंग्जायटी ऑफ दिस वर्ल्ड, व्हिच कुड बी बाय द वे, शुरू में क्या कहा, स्माइल, जिसके ना कोई कंधा नहीं मिलता जिस पे वो सहारा समझकर रो पाए, क्योंकि मसला बहुत गंभीर है. अगर कोई फौत हो गया तो आपके कुछ भी करने से फौतगी वाले ने वापस तो नहीं आना, लेकिन उसके उस गम में आप उसका पार्ट बन गए, तो उसको वो रोने का कंधा मिल गया, उसका गम क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा. तो अल्लाह के नबी ने सासंग को फरमा रहे हैं कि अल्लाह विल रिमूव वन ऑफ हिज एंग्जाइटीज ऑन द डे ऑफ जजमेंट. जिस दिन वापस उठाए जाओगे, उस दिन का गम रब दूर करेगा जब तुमने दुनिया में किसी का गम दूर किया. इफ एनीवन मेक्स इजी फॉर एन एम्पावरिश्ड मैन, अल्लाह विल मेक इजी फॉर हिम इन दिस वर्ल्ड एंड द डे ऑफ रेजरेक्शन. कोई तंग दस्त जिसको मजबूरी है, आपने उसकी मजबूरी में आसानी पैदा कर दी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में, अब यहां पर यह अजीब इन्वेस्टमेंट है, वो भाई आखिरत में तो था वही काफी हो जाता, का दुनिया में और आखिरत में अल्लाह ताला पे बैक. तो वी लर्न टू डू दैट. एंड देन ही सेज इफ एनीवन कंसील्स अ मुस्लिम्स सीक्रेट, अल्लाह विल कंसील हिज सीक्रेट्स इन द वर्ल्ड एंड ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन. सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं, तुमने नहीं किसी को बताना, मैं भी सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं. हा? ये सिर्फ करते करते अब तो अजीब मामला है. वो कहते नहीं, दिस इज अ सीक्रेट दैट आई एम पुटिंग ऑन सोशल मीडिया, यू डोंट टेल. आप लोग तो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, अच्छी तो कंसील करो, अल्लाह विल कंसील. एंड अल्लाह विल रिमेन इन द एड ऑफ अ सर्वेंट एज लॉन्ग एज द सर्वेंट रिमेन्स इन द एड ऑफ हिज ब्रदर. एंड बाय द वे, देखो हर चीज को दीन में होलिस्टिक एतबार से समझना होता है. ये नहीं कि अपना बिजनेस बंद कर दो और नहीं भाई वो बिजनेस भी करना था, अपनी जॉब छोड़ दो किसी और की जॉब करते रहो, नहीं भी वो अपनी जॉब भी करनी थी. इसको हमेशा याद रखना कि जो मेरे रब का मुझसे तकाजा है ना, वो मेरी सख्त से बियॉन्ड नहीं है, बट एक असूल है. फ़ाइदा फरगता फनसब, फनसब ये अजीब लफ्ज है. कभी शादी में, अब तो मार्किज लगी होती ना, तो पहले क्या होता था, एक टेंट लगता था जिसके सेंटर पे एक पिलर होता था, उसको कहते हैं नसब किया गया. अल्लाह फ़ाइदा फरगता, तो इतनी अरबी तुम सबको आती है, कब हो, क्या हो जो फारिग हो जो, जब फनसब, या अल्लाह ये तो आराम का वक्त है. ये क्या हो गया एकदम, फ़ाइदा फरगता फन सब व इला रब्बी का फरगब, ये रब की तरफ रगबत. अब रब की रगबत का क्या मतलब है, तो जैसे मैंने लास्ट टॉक में कहा था, अल्लाह क़यामत के रोज़ कहेंगे मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं दिया, या अल्लाह आप मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं दिया. कि जिस वक्त आप अपनी पर्सनल मसरूफियात में हैं, दैट्स नॉट द टाइम अल्लाह ताला वांट्स फ्रॉम यू, इट्स द फ्री टाइम दैट अल्लाह वांट्स यू टू इन्वेस्ट इन हिम.
and in his cause. तो हमारा problem भी होता है कि सबसे बड़ा फितना ये कब बनता है? Free time में, मुझ समेत. क्योंकि अब मैं अपने सारे जाती काम कर रहे हूँ, अब मुझे चस लेनी है इसके साथ. तो चस अपने घर वालों के साथ लेना शुरू कर दो. वो मज़ा, वो इत्मीनान, वो सुकून, वो उस टाइम इन्वेस्ट करने से बना दो. इट्स नॉट अबाउट कि मंडे टू फ्राइडे आप 9 to 5 क्या कर रहे हो, इस भाई 9 to 5 के बाद क्या कर रहे हो. एंड इट्स द वीकेंड्स दैट अल्लाह ताला इज गोइंग टू लुक एट कि भाई वहाँ पे कहाँ इन्वेस्टमेंट की थी. सारी बस इस दुनिया में ही कमाने में लगाई. तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के लिए उतनी मेहनत करो जितना इधर रहना है, और आखरत के लिए उतनी मेहनत करो जितना आखरत में रहना है. एंड आरओआई के अतबार से यहाँ पे एक लगा रहे हो कितना, 10%, 20%. अल्लाह रब्बुल इज्जत परसेंट में तो बात ही नहीं करते ना. इसको मैं कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 100 लगाऊँ और 200 हो जाए तो उसे कहते हैं 2x. अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ एक्सेस में बात करते हैं. अल्लाह ताला कहते हैं कम से कम 10x और 700x और मोर दे सकता हूँ. ऐसा कौन सा आरओआई है दुनिया में? ये रिलेशनशिप में वो आरओआई है, दैट यू गॉट टू जेन्युइनली केयर अबाउट अदर्स. मैं किसके लिए मददगार साबित हो सकता हूँ, किस दोस्त के गम में शरीक हो सकता हूँ, अपने घर वालों के कहाँ पे मैं हेल्प कर सकता हूँ. तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू लर्न. कि रिलेशनशिप बिल्डिंग में सबसे पहला पार्ट था, यू गॉट अ वेलकमिंग एटीट्यूड, यू गॉट अ स्माइल. सेकेंड, यू गॉट टू बी अ गुड लिसनर. थर्ड, नाउ यू गॉट टू जेन्युइनली केयर फॉर अदर्स, देन दे विल केयर फॉर यू. देखो ये दुनिया का असूल है ना, तो रॉकेट साइंस है ही नहीं. जब मैं किसी भाई के गम में उसका सहारा बना तो फिर वो मेरा सहारा बनेगा. अच्छा, यू कुड बी थिंकिंग, नहीं तो डैश इंसान है, ये नहीं बनेगा भाई. आपकी इस एफर्ट की वजह से अगर अल्लाह ने उसका दिल ना भी बदला, अल्लाह किसी और का दिल बदलेंगे, वो आपके लिए खड़ा होगा. बिकॉज सौदा अल्लाह के लिए कर रहे थे ना, बंदे के लिए तो कर ही नहीं रहे थे. ये बंदे से वाह वाह के लिए तो इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रही थी, इन्वेस्टमेंट हो रही थी अल्लाह के लिए. जब अल्लाह के लिए आप अल्लाह की खातिर किसी के मददगार बने, तो अभी तो हदीस पढ़ी कि दुनिया और आखिरत में अल्लाह तुम्हारे मददगार बनेंगे. वो भाई जिसका बंदा अल्लाह मददगार बन रहा है जिस बंदे का, उसको किस चीज का गम है? उसके मामलात को अल्लाह सुलझाएंगे. फिर बिल्कुल स्टॉक मार्केट क्रैश होने से पहले पहले यू विल बी आउट ऑफ इट. भाई अल्लाह कर सकते हैं ना. हाँ, एक आप कहोगे नहीं, मैं सारे दुनिया के ताल्लुकात बना लूं, तो फिर आप क्या बन जाएंगे? तो मैं नाम नहीं लेता बहरिया टाउन वाले का, भाई है ना अंदर बड़ा मुश्किल वक्त है इस वक्त. ये बड़ी गड़बड़ है, ये दुनिया बहुत बड़ी गड़बड़ है. अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर इस दुनिया में हमारी आंखें खोल दें, दैट्स द ईजीएस्ट वे आउट ऑफ इट. क्योंकि ये असल है ही नहीं. तो वी हैव गॉट टू जेन्युइनली केयर फॉर अदर्स. द फोर्थ थिंग दैट वी नीड टू लर्न टू डू इज वी नीड टू हैव अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर एवरीथिंग. जब तक हम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है ना, तो हमें चीज़ों में सिर्फ शर नजर आएगा, हमें रिलेशनशिप में सिर्फ गड़बड़ नजर आएगी, हमें वो सिर्फ नेगेटिविटी नजर आएगी. मुझे मुशरफ और किसी बात पे याद नहीं है, एक बात पे याद है, तो वो कहते थे वी ऑलवेज लुक एट द हाफ ग्लास एम्प्टी, वी नेवर लुक एट द हाफ ग्लास फुल. भाई जो मिल रहा है ना, उस पर शुक्र करो, क्योंकि रब ने कुरान में असूल क्या बताया है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि अगर अपनी नेमतों को बढ़ाना चाहते हो तो तुम शुक्रगुजारी का रवैया अपनाओ, अल्लाह तुम्हारी नेमतों को बढ़ा देंगे. So you've got to look at that way. Allah Ta'ala فرماتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے بخاری کی, کہ whoever believes in Allah and the last day, and this is so surprising. بھئی اللہ پہ بیلیف کافی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ last day سے accountability کی sense آتی ہے اور return ملنے کا. Otherwise abstract اللہ کے ساتھ تعلق وہ بڑا مشکل ہے میرے اور آپ جیسوں کے لیے. اسی لئے کہا نا توحید رسالت اور آخرت. تو whoever believes in Allah and the last day should not hurt his neighbor. And پھر وہی بات repeat کی, and then said should serve his guest generously. हम तो यहाँ पे गेस्ट आ जाए तो क्या करते हैं, अब कैलकुलेशन करते हैं, हाय आज कितना बिल आएगा. अल्लाह के नबी सल्लम ने इस नेबर और गेस्ट के भाई जो हकूक बताए, इंसान परेशान हो जाता है. एंड बाय द वे, ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना, गेस्ट आता बाद में, वो अपने रिस्क की कैलकुलेशन पहले ही हो के अल्लाह ने भेज दी हुई है. इसीलिए नेवर से नो टू गेस्ट, ये अल्लाह का करम है. अल्लाह रब्बुल इज्जत गेस्ट का इंतज़ाम भेजने का बाद में करेंगे, उसकी चीज़ों का इंतज़ाम पहले हो गया होगा. और जितना आप देते जाओगे उतना अल्लाह ताला और देते जाएंगे. जब आप दरवाज़ा बंद कर दोगे तो भाई वो गेस्ट को तो भूखा नहीं रखना ना, तो फिर उधर जाएगा जहाँ पे मिलता है. इसीलिए ख़ानदान में वो जिसका दिल खुला होता है ना, सबसे ज़्यादा उसके घर पे ही आते हैं. अगेन इसका भी असूल होना चाहिए कि ये कि नहीं आप होटल बन जाओ और फिर ना अपने माँ बाप का पता है ना बीवी बच्चों का पता है, भाई गेस्ट ही बने हुए बस. एवरीथिंग हैज़ अ बैलेंस. एंड अगेन ये मैं बात रिपीट क्यों कर रहा हूँ कि मुझे रीसेंट बयान में तुम लोगों के सवालों से लगता है कि तुम लोग बस एक बयान सुनते हो और उसी को कुल समझ के
और बाकी सारी चीजें डिस्टेबलाइज हो जाती हैं. तो ऐसे नहीं करना. यू गॉट टू लर्न द दीन कंप्लीटली. सो और जो आखिरी बात की कि जो अल्लाह और आखिरत पर यकीन रखता है शुड स्पीक व्हाट इज गुड और कीप साइलेंट. तो स्पीक आइदर दैट व्हाट इज गुड और से साइलेंट. अब इस पर असूल अपना लो. एक जब भी किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे हो तो या तो खैर की बात करो या ना करो. और अगर ये करना हो तो हम गूंगे हो जाएंगे. नहीं, इसके बाद फिर बात कौन सी रह गई है भाई हमारे पास. ये अगर मैंने तेरी बात करनी है तो खैर करनी है या चुप रहना है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है. तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि या खैर की बात करो या खामोश रहो. खैर की बात करोगे तो क़यामत के रोज़ पकड़ नहीं है, और अगर खैर की बात नहीं कर रहे तो अकाउंटेबिलिटी दुनिया और आखिरत में होगी. एंड ये अमल हमसे नहीं होता. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होती हैं इज़ कि हमारी बात खैर की नहीं होती है. हम अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने कहा ना आग लगी हो तो पहले आग बुझा लो. अब हम आग को बुझाते ही आग से हैं. कहते हैं आग लगा दो इसको और ताकि ये पूरा जल जाए तो ख़त्म हो जाएगा मसला. जैसे हमारी हुकूमत गुर्बत ख़त्म कर रही है, कह दी इतनी घेरा तंग कर दो कि सारे गरीब मर जाएं. जब गरीब मर जाएंगे तो पाकिस्तान में गुर्बत नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी. तो हम क्या कह रहे हैं कि ये इतना जल भस्म हो जाए कि ये रहे ना, ताकि मसला एक ही दफ़ा मेरी ज़िंदगी का हल हो जाए. That's not the approach that you're supposed to have. So you're supposed to have a positive outlook. Allah ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kehte hain ki agar aur wo baat to miyan biwi ke beech mein ho rahi thi ki agar koi baat buri lag jaye na to gaur karna tumhe koi achhi bhi mil jayegi. Acha ye kyun keh rahe hain? Wo buri baat ko deny nahi kar rahe. Dekho agar ye taqaza ho ke buri ho aur tumhe lage na to ye insaan ki fitrat ke khilaf taqaza hai ki agar koi buri baat ho और आपको बुरी लगे ना. भाई ये फरिश्ते की बात हो रही है, नहीं इंसान की बात हो रही है. बुरी बात बुरी ही लगेगी. बट आपने ये नहीं कहा कि बुरी बात लगे ना, आपने कहा गौर करोगे तो कोई अच्छी बात भी नजर आ जाएगी. सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया है. बुरी बात को अभी भी एड्रेस करना पड़ेगा, लेकिन जब आप अच्छी बात जहन में लाए हो तो आप पॉजिटिव रेफरेंस से उस बुरी बात को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हो. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट्स गोइंग टू बी सेटल्ड. ये चीज हमें अपने करीबी ताल्लुकात में सीखनी है कि जिस वक्त शर जेन में आया हो उसको एड्रेस करने का ये टाइम नहीं है. उस वक्त सब्र करना है, उस वक्त खामोश रहना है, उस वक्त उसको खैर से टालना है, बाद में एड्रेस करना है. इसका ये मतलब भी नहीं कि मसले को कभी एड्रेस ही ना करो. बट दैट्स नॉट द टाइम यू डू इट. इसीलिए उसके साथ एक और चीज जोड़ी कि डू नॉट क्रिटिसाइज. नोबडी लाइक्स क्रिटिसिज्म. नोबडी. You've got to be constructive in the way you handle things. So hadith mein kya aata hai, Ibn Majah ki riwayat hai ki Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam farmate hain whoever conceals the hidden fault of his Muslim brother. Hidden ka matlab kya hai? That is one of the reasons I hate social media. Ki aapne farmaya ki jab tum koi gadbad karte ho tumhare aur rab ka mamla maaf ho sakta hai, lekin jab tumne usko reveal kar diya to ab tauba karni padegi. To ye jo social media ye fitna kyun hai? Because hum apne sare gunahon ko khud expose kar dete hain. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये काम किया भाई. तो ये नहीं होना चाहिए. तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अगर तुम अपने मुसलमान भाई की किसी गलती को कंसील करोगे अल्लाह विल कंसील योर फॉल्ट्स ऑन द डे ऑफ जजमेंट एंड ही इज कंसीलिंग इट टू फॉरगिव. नॉट केरी बताऊंगा तो नहीं बट बदला लूंगा. व्हेन अल्लाह कंसील्स माय फॉल्ट्स ऑन द डे ऑफ जजमेंट ही इज एक्चुअली गोइंग टू फॉरगिव मी फॉर इट. And then he says, whoever exposes the fault of the Muslim brother, Allah will expose his fault until so that he shames him due to it in his own house. ये बड़ी अजीब बात है, because ये फौरन नहीं होगा. जब आप ये attitude अपनाओगे ना तो अल्लाह तुम्हारे शर को जरूर जाहिर करेंगे. It might take time. वो जो time होती है ना, वो मोहलत होती है, वो मुझे लगता है कि भी नहीं चीजें मेरे control में है. But it's eventually going to happen. So, जब भी आपने किसी मसले को address करना है ना, तो देखो for example, एक बंदे से काम नहीं हो रहा, show him the way. उसको सिखा दो, बता दो. और by the way, relationships में सिवाय blood relationships के माँ बाप को तलाक नहीं दी जा सकती. माँ बाप को तलाक नहीं दी जा सकती, बच्चों को तलाक नहीं दी जा सकती, बहन भाइयों को तलाक नहीं दी जा सकती. वहां पर इसलिए का सिला रहमी, सिला रहमी, वहां पे सीना है, बर्दाश्त करना है अल्लाह की खातिर. जुल्म नहीं होने देना, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन.
ظلم نہیں ہونے دینا بٹ وہاں پہ تعلق ختم نہیں کیا جا سکتا کہ تین دن سے زیادہ تمہارے پاس یہ چوائس ہی نہیں ہے کہ قطع تعلق ہی کرو. اور پھر اس کو آگے ایکسپلین کیسے کیا کہ اس کا جو اس کا معیار کیا رکھا, وہ دیٹ از ویری پریویلنٹ امنگسٹ اس کہ جب ملو تو سلام بھی نہ کرو, ایک کم ادھر ہو ایک ادھر ہو. بھائی آپ سلام کر دیں وہ جواب دے نہ دے, تو صلہ رحمی کرنی بہت ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی ریلیشن شپس ہیں, تو جیسے میاں بیوی کے ریلیشن شپ ہے یا کوئی اور پروفیشنل ریلیشن شپ ہے, کوئی اور پارٹنر شپ ہے, وہاں پہ اللہ نے کہا بھی جب سب ٹھیک جا رہا ہے نا تب تو مسئلہ نہیں ہوتا. مثلا کہتے ہیں پنجابی بزنس مین نہ بنے, پنجاب والے بزنس کرتے ہیں نا, وہ تو میرا بھائی فکر ہی کوئی نہیں, لکھنا ہی کچھ نہیں, وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب معاملہ کرو تو لکھ لو سیٹل کر لو. اینڈ مفتی تقی عثمانی صاحب کی میں بات سن رہا تھا, انہوں نے کہا جب پارٹنر شپ کر رہے ہو تو سب سے پہلے یہ فیصلہ کرو کہ پارٹنر شپ ختم کیسے ہوگی. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے یہ سیٹل کرو کہ یہ پارٹنرشپ جب ختم ہوگی تو کن اصولوں پہ ختم ہوگی. بھائی یہ بزنس کرتے ہوئے سٹارٹ کرتے ہوئے یہ پہلے کیوں سیٹ کرنا ہے؟ بیکاز دیٹس وین اٹ بیکمز اے پرابلم. جب مارکیٹ تھوڑی کریش کرے گی نا, جب وہ کریش کرے گی اور حالات ٹائٹ ہوں گے, لاسز فیس کرنے پڑیں گے, تب گڑبڑ ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے ان تمام نان صلہ رحمی والی ریلیشن شپس میں کہا ہے کہ جب بات طلاق تک پہنچے, بات سپریشن تک پہنچے, وہ کوئی بھی تعلق ہے, تو تب بھی خیر کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے. بیکاز دے مائٹ کم ٹائمس جب وہ ریلیشن شپ نہیں چل سکتی. بھائی چاہے وہ پروفیشنل ہے, وہ پرسنل ہے, وہ کسی بھی دائرے میں ہے, بٹ اس وقت بھی یہ خیال رکھنا ہے. تو بھائی اگر سپریشن کرتے ہوئے خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسن طریقے سے سپریشن کرو, وہ ایک اللہ کے ولی تھے تو ان کی بیوی سے صحیح نہیں چل رہی تھی, تو وہ کوئی ہمارے جیسا ہوگا چسکا لینے والا, اس نے کہا ہمیں کیا گڑبڑ ہے, اگر یہ میری بیوی ہے آپ کون ہے نا, ہم تو اس وقت نا خاندان میں بڑھ چڑھ کے بتاتے ہیں جی ہے ہی ایسی یا وہ ہے ہی ایسا. تو انہوں نے کہا بھائی آپ کون, تو بعد میں ان کی طلاق ہو گئی, سپریشن ہو گئی. تو انہوں نے وہ پھر سے اس نے کہا ان کا اب بتائیں کیا گڑبڑ ہوئی تھی, انہوں نے کہا وہ پہلے وہ میری اپنی تھی تو میں تب نہیں بولا, اب تو وہ غیر ہے میں کیوں بولوں اس کے بارے میں. یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. سو اگر اللہ رب العزت سپریشن کے اوپر گائیڈنس دے رہے ہیں کہ احسان کے ساتھ کرو, تو بھائی وہ جوڑ کتنے احسان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. سو کرٹیسزم کیا ہے کہ دیٹ از جسٹ ٹیلنگ سمبڈی وائی دے آر رانگ, بٹ اٹس ناٹ ہیلپنگ دیم اینڈ اٹس پٹنگ دیم ان اے نیگیٹو فریم آف ریفرنس. سو آپ کو اپنی ریلیشن شپس کو جب بلڈ کرنا ہے, سو یو ہیو گاٹ ٹو بی جینٹل, یو ہیو گاٹ ٹو ہیو ایمپتھی, پٹ یور سیلف ان ٹو دیٹ شو کہ اس کو کیا نظر آ رہا ہے یار. دیکھو فار ایگزامپل, میں اکثر اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کسی نے یلو گلاسز لگائے ہوئے ہیں تو اسے پوچھو لائٹ کس کلر کی ہے, وہ کہہ رہا ہے یلو, اور مجھے یقین ہے اور صحیح یقین ہے کہ بھی وائٹ ہے, اب میں اس کا سر بھی پھاڑ دوں گا تو اس کو یلو ہی نظر آئے گی اور وہ صحیح ہے. سو آئی ہیو گاٹ ٹو پٹ مائی سیلف ان ٹو ہز شوز اینڈ انڈرسٹینڈ کہ او ہو گلاسز غلط ہیں, تو صرف گلاسز اتارنے ہیں. بھائی اب کون سا کلر ہے؟ وائٹ. اب ہم جب یہ ایمپتھی نہیں رکھتے تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھائی اگلے کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی. اور جب آپ کسی بھی ریلیشن شپ کو بلڈ کرتے ہوئے یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے, اینڈ دیٹس دی کرٹیکل مائنڈ سیٹ کا پرابلم, کہ کرٹیکل مائنڈ سیٹ جب کرٹیسائز کر رہا ہے وہ کرٹیسزم صحیح ہے کہ بھائی وائٹ ہے تو کیوں نظر نہیں آ رہی, بٹ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا. دیٹ از واٹ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایبل ٹو چینج. ہینس بندہ کفر سے ایمان کی طرف آ جاتا تھا, ہمارے وہ اپنے ریلیشن شپ میں سیٹل نہیں ہو پاتا. تو وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ ایٹیٹیوڈ. اینڈ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یو ہیو گاٹ ٹو اڈاپٹ این ایٹیٹیوڈ آف اپریشیٹنگ ادرس. آپ نے عجیب بات کی, ابو داؤد کی روایت ہے کہ وین اے مین لوز ہز بردر ہی شوڈ ٹیل ہم دیٹ ہی لوز ہم. کیوں؟ ہمارے یہاں پہ نا ریلیشن شپ ہوتی ہے, خاص طور پہ یہ نا خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے, خواتین اپنے خاوندوں سے صرف پہیلیاں بجواتی رہتی ہیں. بھائی آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے, بھائی مجھے کیسے پتہ لگ جائے, بھائی آپ کا اگر کوئی تقاضا ہے تو رکھ دو اینڈ بی ایکسپریسو. یہ آپ کے پیار کا امتحان یہ ہے کہ آپ کو خود سمجھ آ جائے. یہ کون سا ہے؟ میرے رب نے کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو مومن ہے وہ اللہ کا شدید محبت کرنے والا ہوتا ہے, بٹ کھول کھول کے بتایا کہ میرے بندے مجھ سے محبت کرنی کیسے ہے. میں کہا تو بھی امتحان نہ لیں کہ مجھے رات کو خواب آئے فرشتہ بتایا کہ کیا کرنا ہے. تو ریلیشن شپس میں ایکسپیکٹیشنز بہت کلیئر رکھو کہ بھائی یہ میں چاہتا ہوں. وٹ یو وانٹ, how is it that I can improve my relationship, what is you want, that this is what I want. To aap usko kya bata rahe hain ki if you love somebody to tell him Sher Khan I love you, huh? I love you for the sake of Allah Rabbul Izzat despite what you do to me, huh? So you've got to express that. So sometimes
you need to find unique ways of expressing that. So Allah na kare meri ahliya sun rahi ho, mujhe lagta hai aaj wo nahi aayi hui hain. So main school mein tha, mujhe samajh aa gayi ki bhai aaj gadbad ho gayi hai. And I found time to write a sher for us, for her. Aur maine usko school se hi bheja. Theek hai? Aur meri jaise tooti phooti mujhe shayari aati hai, but it was a personalized sher. Theek hai? To jab maine bhej diya to mujhe pata kya masla aadha hal ho gaya. I go like, ye kaun aa raha hai aaj wapas. So shadeed gusse mein relationship damage hui hai, jao bhi jaake flowers leke aao. You've got to be appreciative of the fact of what they've done. Aur woh kisi bhi relationship mein jab ja pe usko value karte ho na, to then you need to find subtle ways of appreciation. Allah ke nabi sallallahu alaihi wasallam ek bahut ghareeb sahabi hain, woh bazaar mein ghoom rahe the. और अल्लाह के नबी साहब पीछे से आते हैं और उनकी आंखों पर यूं हाथ रख देते हैं और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कौन है जो इस गुलाम को खरीदेगा. अच्छा, उससे पहले क्या होता है कि उनको पता नहीं लगता ये कौन है. जब उनको एहसास होता है ना, तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से चिपक जाते हैं. तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहते हैं ना कि कौन है जो इस गुलाम को मुझसे खरीदेगा, तो उसने कहा मैं तो इतना बेवकत हूँ कि कौन है मेरे लिए कोई भी कीमत दे नहीं देगा. तो आपने फरमाया कि नहीं, अल्लाह के यहाँ आपकी बहुत कीमत है. भाई ये गुलाम अल्लाह के नबी के सिर्फ इस बात से वो कहाँ पहुँच गया होगा, कहाँ पहुँच गया होगा. ये दूसरे के एहसासात के ऊपर काम करना, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज यूनिक टू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो यू गॉट टू ना हैव रिलेशनशिप्स जहाँ पे आप लोगों को जो वैल्यू करते हो उनको बताओ. अच्छा, हम पता क्यों नहीं करते, खासतौर पर करीबी रिलेशनशिप के, और थले नहीं लगना. हाँ, और बुढ़ी ने थले लग गया है. And that's like so common in our mashra. Huh? And हम वो फिर माँ बाप के साथ, बॉस के साथ, कोलीग्स के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ, कि भाई ये ना हो कि मैं कोई पोजिशन ऑफ वीकनेस शो कर दूँ. भाई अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करेगा, अल्लाह उसको उठाएंगे. रिलेशनशिप में एंड समटाइम्स इट हैपन्स इज कि जिस तरह मैंने कहा ना, यू गॉट टू अप्रिशिएट अदर्स. समटाइम्स इन अ रिलेशनशिप यू नीड टू शो योर वीकनेस, because that is something which will trigger empathy in the other person. Jab aap har waqt strong man, steel man, ji main iron man hu, ye sare masle main hi hal karne hain, nahi bhai aap iron man nahi hai. Allah ne quran mein kya khulq al insanu zaeefa, kamzor paida kiya hai bhai. To apni relationship mein apne partner ko kabhi apni weakness show karna is something desirable, because then they will be able to empathize with the fact ke bhai ye problem mein hai. Show kar do apni bimari ताकि वो दवाई लेने में हेल्प कर दे. हाँ, कभी मरीज जब वो मांग रहा हो पानी, तो कोई ऐसा जालिम देखा है जो कहे नहीं नहीं इसको इसी वक्त डुबोना है. हाँ, नहीं भाई. तो रिलेशनशिप में यू सपोज टू डू दैट. यू सपोज टू बी कंसिडरेट ऑफ द फैक्ट कि भी मैं भी इंसान हूं और वो भी इंसान है. तो जब फिर उसकी स्ट्रेंथ के साथ वीकनेस में भी ताल्लुक बना हुआ है, इट्स गोइंग टू बी मोर सस्टेनेबल ताल्लुक. ये मोर सस्टेनेबल है. वो जब आग लगेगी ना, तो उस वक्त काम आएगी. भाई जब आग लगी हुई, अपनी कमजोरी जाहिर कर दो. हाँ, और कमजोरी जाहिर करने का मतलब ये भी होता है, हाँ मैं गलत था. जैसे मैं कहता हूँ ना कि एक होता है किसी भी रिलेशनशिप की गड़बड़ में मसला, वो मसला उतना बड़ा नहीं होता जिससे बड़ा एक मसला होता है. मैं कहता हूँ तौन में सरिया, तौन कहते गर्दन को, सरिया सब समझते हो, तो सरिया ना मतलब यूं रहता. हाँ, आई डोंट वांट टू शो माय वीकनेस, बट से आई एम सॉरी मैन, मेरे से गलती हुई है, एंड मेरे अपनी गलती के एहसास ना करना ये मेरी और बड़ी गलती है. आई एक्सेप्ट दैट, आई एक्नॉलेज दैट, लेट्स सेटल दैट एंड लेट्स मूव ऑन. यू टेल मी व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी. सो इस एटीट्यूड से बहुत सारे मसाइल हल होते हैं, बहुत सारे मसाइल हल होते हैं. आखिरी चीज वो ये है कि एवरी सिंगल पर्सन इज गोइंग टू हैव क्वालिटीज. अल्लाह के नबी सल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह हैज रिवील्ड टू मी, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लम, दैट यू मस्ट बी हम्बल, तवाज़ो, आजिज़ी इख्तियार करो. सो दैट नो वन अप्रेसेस अनदर, बिकॉज मेरा अप्रेसिव होना ये अपने आप को कुछ समझने की वजह से होता है. एंड देन ही सेज एंड बोस्ट्स ओवर अनदर. एक होता है मैं किसी को दबा दूं, और एक है आपके अल्फाज वो शायद आपके वो जो कहते ना जो जख्म लगाना है, जो जुबान का जख्म है, दैट्स वर्स देन जो तलवार से लग सकता है. तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि यू शुड बी हम्बल डिस्पाइट योर क्वालिटीज, बिकॉज अल्लाह को ये बात नहीं पसंद कि आप ओप्रेस करो या इवन बोस्ट करो.
کیونکہ جو خیر میرے اندر ہے تو صرف قرآن کا پہلا کلمہ پڑھنا ہے الحمدللہ. تعریف کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے. میرے اندر کوئی ایک کوالٹی ایسی نہیں ہے جو اللہ کا کرم نہ ہو. Why is that important to recognize? اس کا یہ بتانے کی کوالٹی اس کو یوز نہ کرو. بھائی خالد ابن ولید کو اللہ کی تلوار ہی بننا ہے, لیکن خدا کی قسم خالد کا اللہ کی تلوار ہونے سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ خلیفہ وقت عمر اس کو آرڈر کرتے ہیں کہ آپ کو میں چیف آف آرمی سٹاف سے ڈیموٹ کر رہا ہوں, اور وہ ابھی بھی سپاہی بن کے لڑنے کو تیار ہے. یہ میرے نبی کا کمال ہے جب وہ ان کی تربیت کی. یہ ممکن ہی نہیں ہے. آج یہاں پہ جب آپ کسی نیچے کو چیف آف آرمی سٹاف بناؤ, جو کہ ہر الحمدللہ پولیٹیشن کو لگتا ہے جی میں یہ کروں گا تو میں اسٹرانگ ہو جاؤں گا, تو باقی سب کو آپ کو ریٹائر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ نیچے سے جو اوپر آ گیا ہے تو آپ کی آرمی کے اصولوں میں, جو کیونکہ ہم نے برٹش لیگسی لی ہے, ہم نے اپنے نبی کی لیگسی تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا. سو جب وہ نیچے سے چوتھے بندہ چیف آف آرمی سٹاف بنتا ہے تو بیچ والے تینوں کو ریٹائر ہونا پڑتا ہے, کیونکہ ان کے دماغ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ سنگل ٹریک ٹرین ہوئے تھے کہ بھائی اوپر ہی کی سننی ہے, یہ جب نیچے والے کی نہیں سنی جا سکتی. بھائی یہ خالد ابن ولید ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر کیسے تیار ہوئے تھے وہ الگ بات ہے. ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں کہ بھائی عمر کا فیصلہ ٹھیک ہے, بھائی کرنا تو نہیں ہے, مجھے تو آتا ہی نہیں ہے. ہاں سو پیچھے کمانڈر ان چیف ابھی بھی وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی خالد ابن ولید ہی تھے. ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اپنا نظریہ تھا, انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں فتح اس کی وجہ سے آتی ہے. I don't want to have that myth amongst the Muslims کہ اس کی وجہ سے آتی ہے. بھائی اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ دیتے ہیں. اب جب آپ اپنی خیر کو اللہ سے ایسوسیٹ کرو گے تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دوسرے کی ویکنس کے ساتھ اگین ایمپتھائز کرنے کا موقع مل جاتا ہے. بیکاز دین یو ریئلائز کہ اگر دیکھو فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا, اس کو سمجھ آ رہی ہے, بھائی اس کے سمجھ آنا اس کا کمال نہیں ہے, اور بچارے جس کو نہیں سمجھ آ رہی وہ اس کا قصور نہیں ہے. بیکاز دیٹس دی وے, اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ عقل دی ہے کسی کو کم دی ہے. اینڈ بائی دی وے آئی کیو از اے بایولوجیکل فینومینا, وہ جو اللہ تعالیٰ نے گفٹ کر دیا اس کو چینج کرنا آلموسٹ ورچولی امپاسبل ہے. وہ بایولوجیکل مارکرز کے خلاف جانا ورچولی امپاسبل ہے. وہ بایولوجیکل مارکر سے ہم ساحل الدین کے بھائی کے پاس نہ چلے جائیں, کیونکہ اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے, ویسے ہلا کے رکھتا ہے نا آپ کو, کہ آپ کو کم از کم جوش تو آ جاتا ہے. ہاں خالی جوش کام نہیں دیتا, ہوش کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے, بٹ کیا کریں. سو یو گاٹ ٹو بی ہمبل. یہ عاجزی ہونا آپ کے کردار میں, آپ کے گفتار میں, آپ کے ایٹیچیوڈ میں, لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں, یہ ضروری ہے کہ یار یہ جو خیر ہے یہ تو اللہ کا کمال ہے. ہاں میں دیکھتا ہوں فار ایگزامپل تو میرا کیا کمال ہے, یا جو بےچارا نہیں دیکھ رہا اس کا قصور کیا ہے, تو اللہ نے ایسا بنایا نا, تو جیسا میں ہوں وہ میرا کمال نہیں ہے, وہ اللہ کا کمال ہے, اس نے ڈیزائن کیا ہے, وہ مالک خالق ہے. اینڈ ہینس اس ریلیشن شپ میں جو خیر ہے اس کو اللہ کی طرف کرو گے اور جو شر ہے وہ اپنی طرف کرو گے, سو یو ول اسٹارٹ ٹو ورک آن دا شر. کیونکہ اللہ رب العزت کو اپریسر اور اللہ رب العزت کو بوسٹ کرنے والا بندہ پسند نہیں ہے. تو یہ وہ شخص ہے جو ایکچولی ریلیشن شپ بلڈ کر پائے گا. اینڈ اینی پرسن ہوز بین اویلیبل فار ادرز ان دیئر ہارڈ ٹائمس دین دے ول ویلیو دیٹ وین یو آر ان اے ہارڈ ٹائم. اس کے بعد مینجمنٹ بہت آسان ہے, اس کے بعد بھی گڑبڑیں ہوں گی, لیکن اب آپ گڑبڑ کو ایڈریس کر رہے ہو گے, آپ ذات کو چیلنج نہیں کر رہے ہو گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسئلے کی بات نہیں کرتے, ذات کی بات کرتے ہیں. ہے ہی ایسا, اینڈ آل آف اس نو وٹ آئی مین. ہم بندے کی ذات کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایسا ہے ورسز دا پرابلم, تو پرابلم ایڈریس نہیں ہو رہی. دیکھو جب کسی کی ذات چیلنج ہو جائے نا تو آپ نے اس کے پورے پرسونا کو ڈینائی کر دیا ہے. تو اب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ وہ مرغی کو بھی کارنر کر لو گے نا تو پھر وہ بھی بچے بچانے کے لیے سب لگا دے گی داؤ پہ. جب آپ نے مسئلے کی بجائے ذات کو چیلنج کر دیا تو اب تو وہ بےچارا ڈیفینسو موڈ میں کرے ایسی کی تیسی. دیٹس سم تھنگ وی ہیو ٹو اوائڈ, اور وہ اوائڈ صرف تب ہوگا جب آپ ہیومنائز کر سکو گے اپنی ریلیشن شپ کو. تو اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اینڈ دس از دا کی ٹو سکون اینڈ اطمینان ان دس لائف اینڈ دا نیکسٹ. Every single person who is in his life, dunya aur deen ke aitbaar se, meaningful relationships build kar paata hai, isse zyada khush kismat insaan planet earth pe nahi hai. It's not about ki kitne billion dollar bank mein pade hue hain. It has got nothing to do about the fact ki bhai aapki estates hain. Hawaii island khareed lo aur sukoon zindagi mein na ho. Kyunki insaan ko ashya se sukoon nahi aata, insaan ko meaningful relationship se sukoon aata hai. اور سب سے میننگ فل ریلیشن شپ وہ اللہ کے ساتھ ہے.
जो बंदा अपने रब के साथ सिंसेयर नहीं है वो इंसानों के साथ सिंसेयर हो नहीं सकता. ये टोटल झूठ क्रैप है. जो बंदा अपने रब के साथ मुखलिस नहीं है वो इंसानों के साथ मुखलिस नहीं हो सकता. इस चीज को बस जिंदगी में अपनाओ. अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए. वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اے کریم آقا ہمارا آسان حساب لیجئے گا, ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیے گا. اے اللہ ہمیں بھی درگزر کرنے والا بنا دیجئے, اپنے رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے کریم آقا ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسے آپ کو پسند آئیں گے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئیں گے. اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے, یہ جتنی بھی احادیث پڑھی ان پہ عمل کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ اس حال میں زندہ رکھیے گا کہ آپ راضی ہوں, اس حال میں دنیا سے اٹھائیے گا کہ آپ راضی ہوں, اپنی ناراضگی سے دنیا و آخرت میں بچا لیجئے گا. اے کریم آقا ہمیں وہ رشتے دار فرما جو دنیا و آخرت کے رشتے ہوں. یا اللہ وہ دنیا کے بھی کامیابی کا نامن بنے اور آخرت کی بھی کامیابی کا ضامن بنے. یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.